नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज, आज होम्योपैथिक मेडिसिन अश्वगंधा के प्रयोग के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। होम्योपैथिक में अभी तक इस दवा की प्रूफिंग नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी विभिन्न रोगों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। यह औषधि नपुंसकता दूर करने के लिए काफ़ी प्रयोग में लाई जाती है। अधिक सहवास करने के कारण आई कमजोरी, धातु विकार के कारण दुर्बलता, उपदंश का रोग, बांझपन व ब्रदर रोग में यह काफ़ी उपयोगी है। यह शरीर में बल वीर्य को मात्रा को बढ़ा देती है। गर्भावस्था में महिला को शक्ति प्रदान करने वाली मेडिसिन, यह पुरुषों व महिलाओं के लिए उत्तम टॉनिक की भांति कार्य करती है। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक श्रम करने से उत्पन्न थकान या कमजोरी, काफ़ी समय तक बीमार रहने की वजह से होने वाली कमजोरी, स्नायविक दुर्बलता, खाने पीने के बाद की कमजोरी व दुबलापन आदि में यह औषधि काफ़ी लाभदायक है। निरोग व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर लंबे समय तक हुष्ट पुष्ट और जवान बने रह सकते हैं। यह औषधि स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी हितकारी है। इसके साथ ही एवेना सटाइवा मदर टिंचर का प्रयोग करने से बुलक्कड़पन को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। दमा की खांसी, यक्षमा खांसी, सूजन का रोग, शरीर में खून की कमी, बच्चों का सूखा रोग, नज़र कमज़ोर होना आदि में इस औषधि के प्रयोग से काफ़ी फायदा मिलता है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो तो आप अश्वगंधा मदर टिंचर का 10 बूंद 3 बार ताजे पानी के साथ प्रयोग करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो भी मैंने बीमारियां आपको बतलाई उनमें अद्भुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं रोज़ होम्योपैथी की नई नई जानकारियां आपके बीच लेकर आता रहूं। थैंक यू।